हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, पहले उसको देख लेते एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया था बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका किसका होता है, बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। ये होता है बच्चों, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और साथ साथ हमने पढ़ा था कि बच्चों परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मेरे यहाँ पर sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड, सबसे ज्यादा sp हाइब्रिड का, उसके बाद आपका sp2 हाइब्रिड का और उसके बाद आपका sp3 हाइब्रिड का, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और काफी अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों आपको ये वाले पॉइंट, ठीक है। अब इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसके बारे में हम आगे केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड में हम देखेंगे बच्चों यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड आपका। देखो बॉन्ड आपका कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता, कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम नेचर ऑफ बॉन्ड में पढ़ेंगे कि कौन सा बॉन्ड आपका आयोनिक परसेंटेज आपका बॉन्ड के अंदर कितना होगा, कोवलेंट परसेंटेज आपका कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों यहां पर हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम बोलेंगे बच्चों यहां पर देखो नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब हम आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड निकालेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में हम आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, तो कोवलेंट बॉन्ड में हम आयोनिक कैरेक्टर बेटा हम इसके फंक्शन के हिसाब से निकालते हैं। किसके हिसाब से निकालते हैं बच्चों, इसके फंक्शन के हिसाब से। तो देखते बच्चों कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल आपका फॉर्मूला होता है फॉर डिटरमाइन आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। For determine the ionic character covalent bond, we will use following formula। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, देखो कौन सा फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर मैं बताता हूं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू यहां पर लिख देंगे काई ए माइनस काई बी, ठीक है। और साथ साथ यहां पर एक और है, यहां पर प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, काफी सिंपल है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। काफी इजी फॉर्मूला है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको पक्का 100% आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहां पर समझते हैं कि जो आपका काई ए होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। और काई बी आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कि हम इसको किस तरीके से डील करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है बच्चों, देखो अगर मैंने यहां पर काई ए माइनस काई बी,
ठीक है, काई ए माइनस काई बी, अगर दोनों का डिफरेंस अगर आपका बच्चों यहां पर 1.7 से ज्यादा आया, 1.7 के बराबर या 1.7 से ज्यादा आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अगर आपका ध्यान से समझना, काई ए और काई बी दोनों का डिफरेंस 1.7 से कम आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर डिफरेंस निकालते हैं। ये तो आपका किसने दिया बच्चों, गिल्स ने। ठीक है, लेकिन आपका यहां पर यह फॉर्मूला जो बनाया था वो हेनरी स्मिथ एंड गिल्स ने बनाया था। किसने बनाया था, यहां पर यह फॉर्मूला आपका बनाया गया था हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, जो कि आपका किसने बनाया बच्चों, जो कि आपका हेनी एंड स्मिथ ने बनाया। जब इसने ऑब्जर्व किया तो यहां पर बोला उसने काई ए माइनस काई बी अगर आपका 2.1 से ज्यादा होता है, दो तो तरीके के ऑब्जर्वेशन हुए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, दो तरीके के ऑब्जर्वेशन हुए। इसमें आपका आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर यहां पर आपका 50% से ज्यादा हो जाएगा, और अगर काई ए माइनस काई बी अगर आपका लेस देन 2.1 होता है, लेस देन कितना होता है बच्चों, 2.1, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपका लेस देन 50%, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सीसी। ठीक है, 50% से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन इसने किया था इस फॉर्मूले से, लेकिन इसको आगे जाके इसको सही किसने किया, गिल्स ने इसको सही किया। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको दो फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर। अब देखो अगर ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर आपको मैं बताता हूं बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है बच्चों आपका नॉन पोलर, एक होता है बच्चों आपका कौन सा, नॉन पोलर, एक होता है बच्चों आपका कौन सा, पोलर, एक कौन सा होता है बच्चों आपका, पोलर। देखो एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। अब नॉन पोलर में हम किस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे बेटा, नॉन पोलर में हम किस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे, ध्यान से समझना। अगर नॉन पोलर होगा तो क्या होगा इसमें, एच, मतलब आपका H2 एटम। यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस, तो ये क्या होगा बच्चों, यहां पर बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका कहां मूवमेंट करेंगे आप बता सकते हो, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां की ओर मूवमेंट करेगा आप नहीं बता सकते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं F2 की, तो यहां पर मैंने कर दिया F और F, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो आप क्या आप फिर से बता सकते हो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका कहां मूवमेंट करेगा और कहां मूवमेंट नहीं करेगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर मूव करेगा। तो यहां पर आपका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पोलर बॉन्ड हम किसे बोलेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया HF, इन HF एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि यहां पर जो अगर मैं बोलूं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका कहां की ओर मूवमेंट करेगा, फ्लोरीन की ओर। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये कुछ टाइम बाद आपका ये इस तरीके से बन जाएगा, इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन। अगर पार्शियल प्लस और माइनस साइन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
मतलब अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच, अगर यहां पर देखो दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो होगा तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड आपका किसके बीच बनना चाहिए, नॉन मेटल के बीच, किसके बीच, नॉन मेटल के बीच। देखो यहां पर नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो और आपका कोवलेंट बॉन्ड नॉन, यहां पर नॉन मेटल के बीच बना है, किसके बीच बना है बच्चों, नॉन मेटल के बीच, देखो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपके जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा, एक आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका सिमिलर हो गया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू निकाल के देखना। तो इस तरीके से हम यहां पर पोलर नॉन पोलर की भी बात कर लेते हैं और पोलर की भी बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों यहां पर कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान से समझना, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलर कंसेप्ट आप लगा सकते हैं वहां पर HCl के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का नेचर मुझे बताना है। अब देखो आपका हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में बच्चों आपका होता क्या है, होता क्या है हाइड्रोक्साइड आपका होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हाइड्रोक्साइड आपका कैसे होगा, NaOH, ठीक है, ClOH, दीज आर व्हाट हाइड्रोक्साइड। अब इस एग्जांपल में समझना, देखो ध्यान से, NaOH मैंने ऐसे बना दिया, ClOH मैंने ऐसे बना दिया। अब हम देखते हैं ध्यान से कि यहां पर देखो ये कौन सा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 0.8। मैंने आपको वैल्यू लिखा है पॉलिंग स्केल वाली, वाली वैल्यू, वैल्यू से समझते हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं करनी, बस आपको समझना है 0.8, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, और बॉन्ड लेंथ घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते हो, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कि इन दोनों के बीच, जल्दी से बता, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कि इन दोनों के बीच। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच आपका ज्यादा होगा, बताओ बताओ बच्चों यहां पर, जल्दी से देखो मैं आपको बात बताता हूं। यह आपका क्या होता है बच्चों, यह आपका बेसिक होता है और यह आपका एसिडिक होता है, ठीक है, यह आपका एसिडिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहां पर इसको हटा के हम एक और लेते हैं बच्चों, यहां पर मैं आपको सिंपल बताता हूं, देखो सिंपल पहले समझो, ठीक है, फिर हम इसको भी समझेंगे। मैंने बात किया AOH के बारे में, ठीक है, AOH के बारे में ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस AO और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या लिख दिया OH, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका बढ़ेगा, मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया यहां पर कि देखो ध्यान से, अगर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस AO का आपका ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NOH का आपका कम है। अब देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपका यहां पर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, मोर पोलर, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मोर
पोलर, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड अगर ज्यादा पोलर हो जाएगा तो ये आपका टूट के ए प्लस और ओ एच माइनस बना देगा, ठीक है। मतलब अपने में से क्या रिलीज किया इसने, ओ एच माइनस, अपने में से क्या रिलीज किया इसने यहां पर, ओ एच माइनस। जस्ट इसका वाइस वर्सा देखते बच्चों, उल्टा देखते, उल्टा कंडीशन, ठीक है, उल्टा कंडीशन देखने में ध्यान से, अगर मैंने बोल दिया ClOH, ठीक है, ClOH नहीं AOH ही लेते हैं, अगर मैंने बोल दिया इन द केस कि इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच का कम हो जाए और एक्स ओ माइनस काई एच इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाए। अब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा बेटा, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला आपका पोलर करेक्टर का ज्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही मैं डालूंगा तो यहां पर AO- और H+ बाहर निकल जाएगा, वेरी सिंपल। अब देखो H+ जो आपका रिलीज करेगा वो क्या होता है, एसिड, और जो OH- रिलीज करता है वो क्या होता है बच्चों आपका, बेस। जो H+ आपका रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एसिड, और जो OH- रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, बेस। अब देखो बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे, अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, ठीक है, अब मैं इसी एग्जांपल को लेके समझाता हूं आपको, देखना कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा एक एक बार ध्यान से देखोगे तो, बस ध्यान से देखने पर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखने पर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुझको करना है। देखो NaOH ये हो गया 3.5, ये हो गया 0.8 और क्या बोले ये हमारा हो गया 2.1, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Na और O ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O और H के बीच, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, ज्यादा पोलर बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, मोर पोलर, मोर पोलर। अब ये वाला बॉन्ड अगर आपका ज्यादा पोलर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब जो बॉन्ड अगर आपका पोलर हो गया वही बॉन्ड आपका टूटेगा, जो बॉन्ड अगर आपका पोलर हो गया बच्चों वही बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, जो बॉन्ड आपका पोलर होगा वही बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर ClOH के कंडीशन में तो ClOH के कंडीशन में इसका 3.0, इसका 3.5, इसका 2.1। अब मुझे बताओ कि कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर है, Cl और CO, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और H के कंपैरिजन में क्या है बच्चों, कम है, और H के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। जब यहां पर अब देखो ध्यान से, अब ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, दिस बॉन्ड इज मोर मोर पोलर। अभी मैंने बताया ये वाला बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर होगा, पोलर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना पोलर होगा, तो बॉन्ड होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ClO- और H+ में डिसोसिएट होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के हिसाब से हमने हाइड्रोक्साइड के बॉन्डिंग को बताया, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझते हैं कि हाँ, ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको समझना है। अब हम इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो जाता है बच्चों। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका खत्म होता है, इसमें कोई आपको इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है,
इसके बारे में तो एप्लीकेशन हम आगे और पढ़ने वाले हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, इन अ कंपाउंड एम ओ एच, ठीक है, एम ओ एच, द एम ओ बॉन्ड विल बी ब्रोकन, द एम ओ बॉन्ड, एम ओ बॉन्ड विल बी ब्रोकन, विल बी ब्रोकन, विल बी ब्रोकन इफ आपका एम ओ बॉन्ड डिसोसिएट होगा। आपका कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा? एम ओ बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा इफ, अब आपको कंडीशन बताना है कि एम ओ बॉन्ड आपका किस कंडीशन में डिसोसिएट होगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, अभी अभी बताया, कंसेप्ट आप लोगों को आता है, आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बस आप लोग ऐसे कह दो एम ओ एच, आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाले बॉन्ड के अंदर मोर पोपोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा ये वाले बॉन्ड के अंदर। जब ये वाले बॉन्ड के अंदर अगर आपका मोर पोलर कैरेक्टर होगा तो क्या होगा कंडीशन, ये और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ओ और एच के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है, तभी आपका ये वाला मोर पोलर होगा और ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। तो बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट होगा तो एम प्लस और ओ एच माइनस आपका बना देगा। देखो ध्यान से एक दो बार अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आप एक दो बार ध्यान से देखने की भी कोशिश करोगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ठीक है, टू कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, ध्यान से समझेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड M1OH एंड ठीक है M2OH ठीक है, ये आपका दो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड इन टू डिफरेंट बीकर्स ठीक है, ऐसा बोला गया है, कोई बात नहीं। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M1 इज 3.4 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M2 इज 1.2, ऑक्सीजन की कितनी 3.5 एंड हाइड्रोजन की आपको कितनी दी हुई है 2.1, सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई है, बहुत अच्छी बात है। देन द नेचर ऑफ टू सॉल्यूशन आपको दोनों सॉल्यूशन का नेचर बताना है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखते देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन है M1OH और मेरे पास एक और सॉल्यूशन है M2OH ठीक है। अब देखो M1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है 3.4, इसकी 3.5, इसकी 2.1 ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो इसका 1.2, यहां पर आपका 3.5, यहां पर आपका 2.1, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे दी गया है। अब मैं इससे क्या एनालिसिस करूंगा, इससे मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O दोनों के बीच का डिफरेंस आपका लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, सो दैट्स व्हाई ये वाला आपका मोर पोलर कैरेक्टर का होगा,
सो दैट्स व्हाई ये वाला आपका मोर पोलर कैरेक्टर का होगा। जब ये आपका मोर पोलर कैरेक्टर का होगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर M1O- मतलब जो मोर पोलर कैरेक्टर का होगा वाला बॉन्ड आपका टूटेगा और सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा, H+। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि अब देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, इसके लिए यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ M2O- O। अब आपका देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस आपका ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस O और H, देखो जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा वो आपका कैसा होगा, मोर पोलर कैरेक्टर का, और जो मोर पोलर कैरेक्टर का होगा वो वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होगा तो यहां पर क्या आएगा, M2+ और OH-। अब ये आपका कैसा कैरेक्टर का होगा, बेसिक, और ये आपका कौन से कैरेक्टर का होगा, एसिडिक। अब देखो यहां पर क्या बोला, नेचर ऑफ टू सॉल्यूशन, तो इसके लिए आपका कौन सा सॉल्यूशन का नेचर कैसा आएगा, एसिडिक, और इसके लिए आपका कौन सा सॉल्यूशन का नेचर आएगा, बेसिक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते बड़े प्यार से, ठीक है।